लास्ट वीडियो में हमने बताया था फ्रेंड कि अप्रैल 2024 से एनपीसीआई के न्यू रूल्स को लागू किए गए हैं, तो वो रूल्स कौन कौन से और उन रूल्स को आप कैसे फॉलो करेंगे। अगर फ्रेंड आप एक एयरटेल पेमेंट बैंक के सीएसपी संचालक है, आपके पास सीएससी की आईडी है और अभी तक आपने इन रूल्स को नहीं देखा फ्रेंड, तो इन रूल्स को जरूर देखना चाहिए, जिसमें फ्रेंड टू ऑथेंटिकेशन फैक्टर को भी एड किया गया है। साथ साथ मंत्रक जो L0L1 डिवाइस उसके लिए क्या नया अपडेट्स आया है, नई डेट कौन सी दी गई है फ्रेंड जिसमें ये डिवाइस को बंद किया जाएगा, और इसके साथ साथ एईपीएस में क्या नया अपडेट है, मैंने ऑल टॉपिक इस पे कवर किया हुआ है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इस प्रकार आपको थंबनेल भी देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फिर एनपीसीआई और ऐसे न्यू गाइडलाइंस के बारे में। खास तौर पे मैं बात करूंगा फिर जो एईपीएस बंद किए जा रहे हैं बैंकों द्वारा, वो क्यों बंद किए जा रहे हैं, उसके पीछे का क्या कारण है फिर, और ऐसे कौन-कौन से बैंक हैं जिनके द्वारा इन एईपीएस को बंद किया जा रहा है, और एनपीसीआई की और नई-नई कौन सी गाइडलाइंस पे जिसके बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप एक सीएसपी संचालक हैं या आपके पास रिटेलर आईडी है या फिर आप सीएससी संचालक हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे 1 अप्रैल 2024 से क्या नया अपडेट्स आया है। तो चलिए जानते हैं, एनपीसीआई का जब से नया अपडेट आया था तो सभी बैंकों ने एईपीएस को बंद करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये चीज़ें शुरू की थी। अगर आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो आपने ये प्रॉब्लम जरूर देखा होगा कि अगर आप किसी भी कियोस्क में या किसी भी कंपनी से एईपीएस के द्वारा पैसे निकालवा रहे थे तो वहाँ से आपका एईपीएस वर्क नहीं कर रहा था। ऐसे पंजाब नेशनल बैंक है या अदर बहुत सारे बैंक हैं जिन्होंने एईपीएस को बंद कर रहा है। हम जानते हैं इन एईपीएस को क्यों बंद किया जा रहा है। तो एईपीएस के बंद करने का सबसे बड़ा मेन रीज़न था फ्रेंड कि बैंक के द्वारा जो बताया जा रहा है कितने सारे फ्रॉड हो रहे, उन फ्रॉड को बचने के लिए ये बैंक के द्वारा बंद कर रहा है। अगर अपना कस्टमर चाहते हैं तो उसे चालू करवा सकता है उसे अपने रिस्क पे। आपको करना क्या रहेगा, एक केवाईसी फॉर्म फिल करना रहेगा। तो ये फ्रेंड आप केवाईसी फॉर्म कैसे फिल करेंगे, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है फ्रेंड कि आप बैंक विजिट करिए, वहाँ से उनके द्वारा एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिल करना है जिसमें अपना बैंक का पासबुक लगाना पड़ेगा। बैंक के पासबुक के साथ साथ फ्रेंड आपको अपना आधार कार्ड देना पड़ेगा। तो आप बैंक पासबुक और अपना आधार कार्ड दे के उसे फिल करके एक फॉर्म फिल करना रहता है। तो फॉर्म कैसा रहता है फ्रेंड उसके बारे में देख लेते हैं। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करके आपको फॉर्म दिखाता हूँ वो फॉर्म आपको कैसे मिलेगा। तो फिर आप साइड में स्क्रीन देखेंगे, आपकी स्क्रीन आपके साथ शेयर होगी, तो आपको कुछ बैंक के जो केवाईसी फॉर्म रहेंगे इस प्रकार दिए जाएंगे, जहां से आपको सबसे पहले यहीं से देखेंगे तो आपको नाम फिल करना रहेगा, ऊपर ही लिखा रहेगा कि नाम और केवाईसी फॉर्म। तो इस तरीके से आपको अपना नाम डिटेल सारी फिल करनी रहेगी, जिसमें ऊपर देखेंगे तो आपको फादर्स मदर्स का नेम एंड लास्ट नेम ये सारी जानकारी फिल करनी रहेगी। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं फ्रेंड, जितने भी बैंकों के केवाईसी करवाने जाएंगे एईपीएस चालू करवाने जाएंगे तो सब बैंकों के फॉर्म अलग अलग मिलेंगे। सबसे पहले डॉक्यूमेंट आपको क्या लेके जाना है, अपना आधार कार्ड लिए रहेगा, दूसरा अपना बैंक का पासबुक। दो फ्रेंड आपको जो फॉर्म मिलेगा उसमें तीन जगह सिग्नेचर होंगे, इसके साथ साथ जो आपका आधार कार्ड रहेगा उसकी फोटोकॉपी करा के आप सेल्फ अटेस्टेड करवाएंगे, सेल्फ अटेस्टेड करेंगे। इसके अलावा बैंक की जो पासबुक रहेगी उसकी फोटोकॉपी करा के खुद से उसमें सिग्नेचर करेंगे, और इस तरीके से फॉर्म दिए जाएंगे, फॉर्म को आपको फिल करना है। आप फ्रेंड इस तरीके से कई सारे फॉर्म भी आप यहीं से आके देख सकते हैं, जहाँ से इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। और अगर मैं इसे फॉर्म की बात करूँ फ्रेंड, तो दूसरे फॉर्म भी आप यहाँ से जाके देखेंगे तो जहाँ से कई सारे अलग अलग बैंकों के अलग अलग फॉर्म दिए जाते हैं, तो वो फॉर्म फ्रेंड आपको फिल करके अपने बैंक में जमा करके और फिर उसे आप एईपीएस को चालू करवा सकते हैं। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात ये फ्रेंड कि इसके लिए आप दो तरीके से फॉलो कर सकते हैं। एक तो जो आपके नियरेस्ट कियोस्क रहेगा आप वहाँ से केवाईसी करवा सकते हैं, यानी फ्रेंड जो मिनी बैंक रहेंगे उन बैंक के द्वारा भी केवाईसी करवा सकते हैं। जैसे अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की केवाईसी करवाना चाहते हैं मिनी बैंक के द्वारा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जाएंगे यहाँ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो मिनी ब्रांच है वहाँ बोलेंगे केवाईसी के लिए रिक्वेस्ट लगाए, लेकिन उनके साथ ही साथ आपको बोलना है मेरा एईपीएस बंद हो गया उसके लिए हमको रिक्वेस्ट लगानी है। तो उनके द्वारा रिक्वेस्ट लगाई जाएगी जहाँ से आपके आधार कार्ड का नंबर डाला जाएगा, टर्म को एक्सेप्ट करके फिर वहाँ से आपकी फिंगर लगाई जाएगी। फिंगर जैसे आपकी कंप्लीट होगी आपको एक प्रिंटआउट देंगे, फिर वो प्रिंटआउट लेके और जब मैंने आपको बताया आधार कार्ड और इसके साथ साथ अपने बैंक का पासबुक इसको इंक्लूड करके बैंक में जमा करेंगे तो आपका एईपीएस चालू कर दिया जाएगा। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है कैसे अपने एईपीएस को आप चालू करवा सकते हैं।
इसके साथ ही साथ फिर आप उसमें से चाहे तो डीबीटी को भी लिंक करवा सकते हैं अगर डीबीटी लिंक नहीं है। तो ये तरीका फिर जिसमें अगर आप अपने एईपीएस को चालू करवाना चाहिए, ये तरीका आपको कैसा लगा हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और पहली बार अगर हमारे चैनल पर विजिट करें फिर तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिए ताकि मैं आपको जितने हेल्पफुल वीडियो लाऊंगा उसको आपको पहुंचेगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक में आपसे बहुत जल्द मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।